और जो नहीं मानते। एक बार सर, ये सभी लोग वक्ताओं की बात को ध्यान से सुने, तभी आपको कुछ ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि संविधान हमारे सामने है और 70 साल हो चुके हैं और आज जो हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल संविधान के विपरीत चल रहे हैं। देखना हमें ये होगा कि जो लोग संविधान के समर्थक हैं, मैं अपनी बात ध्यान से कह रहा हूं, जो लोग संविधान के समर्थक हैं वो बहुत संख्यक हैं और जो संविधान को तोड़ने वाले हैं, जो उसकी बात पर नहीं चलने वाले, वो 3-3.5% हैं। वो जब आजादी हुई थी तब भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते हैं। ये बात हमें गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस संविधान ने हमें दिया क्या? इस संविधान है तो आज हम यहां खड़े हैं, मैं आपके साथ भाषण कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, और ये नहीं होता तो आज मैं आपके बीच बात नहीं कर सकता था। ये संविधान बाबा साहब की देन है। लेकिन इसके साथ ये बात और है, वो ये कि जो लोग संविधान को पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोग इकट्ठा हो, आप लोग संघर्ष करें, आप लोग आजादी से जी सके। और यही वजह है कि आज संविधान में इतने प्रावधान होते हुए भी आपके बकवास को लाभ नहीं पहुंच पा रहे जो कि संविधान ने दिए हुए हैं। उसके सबसे बड़ा कारण जो हमारा है कि हम संघर्ष उस तरह से नहीं कर पा रहे जितना वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो साजिश हमें देखनी पड़ेगी कि साजिश क्या रच रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही संविधान बना उसके साथ ही आपने एक धर्म संसद नाम की हिंदू की चली आ रही है, उसमें एक संविधान काम कर रहा है, और वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग जो अभी तक भी सत्ता में थे और जब अब तो पूरे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बहुमत में हैं, वो उसी संविधान को लागू करना चाहते हैं, उस संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी हम पर ज्यादा है, जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि हम 85% लोग हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 85% लोग एक जन मंच पर कैसे आएंगे। ये महत्वपूर्ण बात, जबकि संविधान ने हमें हर चीज दी है, संविधान ने हमें हर कहने की अभिव्यक्ति दी है, हमें मंच पर बैठने की अभिव्यक्ति दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? उसका कारण यही है कि हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपना डायरेक्टर प्रिंसिपल भी देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये भाषण देकर के चले जाए, आप सुन करके चले जाए, हमारी जरूरत है कि आज के इसके बारे में वो प्रदर्शन करना चाहिए। अब जैसा कि 26 कल जो होगा जंतर मंतर को होगा, जहां हमें संख्या भारी दिखानी चाहिए, वो संख्या की बात है सारी। आपने देखा होगा कि कल अयोध्या में 3 लाख साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं। वो साधु संत क्या कर रहे हैं? वो साधु संत हैं जो कि संविधान को तोड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारी जरूरत उनको देखने की है कि वो किस किस समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और हम ये सभागार में बैठ करके किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसके बिना, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा जो कि अभी तक नहीं चल पा रहा। हमारे पास दुनिया नहीं है, कोई बात नहीं है, हम सोशल मीडिया से काम चलाएंगे, सोशल मीडिया हमारा अपना मीडिया है। मैं इसे धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी बात को पूरे पूरे समाज में लेके जा रहे हैं। और यदि आप जागरूक नहीं होंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये लाजमी है
कि संविधान तोड़ दिया जाएगा, जैसे कि 15 अगस्त को उन्होंने जला दिया था। आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त को जंतर मंतर पर संविधान जला दिया गया था, लेकिन उसके लिए हमने 5 अगस्त में है ना वो बात, संविधान जला जिस स्वतंत्रता दिवस पर, जिस दिवस पर उसी पर जला दिया गया, तो देख लिए उनकी कितनी हिम्मत है। अब हमें देखना है कि हमारे संगठन जब तक उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो हम कैसे संविधान को बचा सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी समझ के हमें ये बात करना पड़े। तो मैंने कहा था पहले ही,